तो भाई मैंने ना अभी बन, मतलब मेरी मंगवाया था डोसा और सुबह का टाइम है नाश्ता करने का मन कर रहा था लेकिन कुछ घर में खाने का मन नहीं कर रहा था आज मुझे बनाने का मन नहीं था तो मैंने बोला कि अमित को ले आने के लिए मिले डोसा वो मुझे वैसे भी बहुत दिनों से मन कर रहा है तो वो लेकर आ गए हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और खा के बताती हूँ कि हूं निकाल लिया था पहले ही तो यहाँ पर ये जो मिलता है ना हमारे यहाँ पे वो इसमें ऐसे पैक करके दिया था उन्होंने इसमें था और इसमें तीन तरह की चटनी दी है ये वाली एक है और ये सांभर है ये नॉर्मल चटनी है जो दाल वाली होती है तो मैं तीनों को निकाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इन्होंने दिया है और डोसा भी बहुत हेवी लग रहा है देख कर के हर जगह मिल जाएगा चटनी डोसा इडली सांभर तो हो गया तो इतना सारा चटनी इन्होंने दिया जितना मैं खाऊंगी नहीं पूरा मैं दिन चालू कर रही हूँ खाने के साथ में सुबह नाश्ता का टाइम है तो नाश्ते में मैंने खाया था डोसा जैसे कि आप लोग देख सकते हो और इतना टेस्टी था बट बत, बटने क्या किया था ना चटनी में ना नमक ही नहीं डाला था फिर मैंने उसमें अलग से नमक डाला फिर मैं खा रही थी और ये मैंने अपने मतलब मैं एक नया चैनल खोल रही हूँ मतलब ईटिंग का ही तो उसके लिए बनाया था बट मैं सोची कि चलो इसी में डाल देती हूँ फिर कभी डालूँगी उसमें तो आप लोग मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा वेट करते हो बहुत सारे कमेंट्स करते हो तो मैं आज नॉर्मली व्लॉग बना रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये सुबह का नाश्ते का टाइम था और डोसा इतना यम लग रहा था ना खाने में तो मैं आप लोगों को रिव्यू भी इसमें बता रही हूँ बट मैं अभी साइलेंट कर दी हूँ वहाँ पर नहीं सुना रही हूँ आप लोगों को तो ये डोसा मैंने पूरा नहीं खाया एंड में ना मैंने छोड़ ही दिया आखिर क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं गया और आज का भी व्लॉग जो है मैं डेली रूटीन पे बनाई हूँ कि डेली मैं क्या करती हूँ कैसे रहती हूँ यहाँ पर तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बना पाऊँ बट उतना नहीं हो पाता है जितनी देर बाबू सोता है मैं वीडियो फटाफट बना लेती हूँ और बस यहाँ पर देखो मैं खा रही थी अपना डोसा और ये बहुत ही हैवी था इसमें पनीर आलू स्टफिंग किया हुआ था मसाले वाला डोसा था तो ये वाला तो मैं खाई हूँ काफ़ी लंबे टाइम के बाद खाई हूँ मुझे लगता है बहुत ही दिन हो गया डोसा खाए हुए तो बस यहाँ पर वही हम नाश्ता करेंगे फिर अपना घर का काम स्टार्ट करेंगे सुबह उठते ही ना अमित ने कहा कि चलो आज डोसा मतलब मैंने ही उनको कहा था कि डोसा खाना है मुझे तो वो लेकर के आगे मुझे दे दिए तो सुबह सुबह भूख लगी थी तो मैंने भी डोसा खा लिया पूरा ही और फिर उसके बाद मैंने काम चालू किया पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह उठते उठते मैं इतनी सुबह सुबह खाई हूँ नाश्ता करी हूँ घर में काम भी बहुत सारा था तो पहले मैंने बोला कि पेट पूजा फिर घर का काम किया जाएगा तो यहाँ पर मैं बाहर में अपना आंगन पेड़ का जो है ना इतना ज़्यादा उस ज़रा फूल वग़ैरह गिरता है तो मैं पूरा झाड़ू रोज़ लगाती हूँ फिर भी गंदी हो जाती है पूरा गंदा हो जाता है कितना भी आप साफ़ करो ना पूरा पत्ता इतना गिर रहा है और अभी मौसम इतना ठंड वाला हो गया है ना कि बारिश हो रही है वो कोई तूफ़ान था ना मुझे नाम नहीं बहुत अजीब सा नाम था आ, मुझे याद नहीं है वही वाला तूफ़ान के कारण ना तो बारिश इधर भी हो रही थी और सुबह सुबह हो रही थी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी उसके बाद में मैं यहाँ पर देखो झाड़ू वाड़ू लगा के अपना दोपहर का खाना मैं जब भी बाबू जितने देर सोता है ना तो मैं जल्दी जल्दी वो काम कर लेती हूँ तो ये मैंने थोड़ा सा मटर पनीर रख दिया था कि मिक्स वेज के लिए और यहाँ पर पूरा पकने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था वो पक जाएगा और साथ साथ में मैं आटा भी लगा लेती हूँ वहीं पर कि आटा वाटा लगा के अपना रख देती हूँ मैं सब्जी तो पहले बना लेती हूँ रोटी तब बनाती हूँ जब खाना होता है तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी और आटा भी जल्दी जल्दी गूंथ के जल्दी जल्दी नहीं गूंथ रही थी वो धीरे धीरे गूंथ रही थी लेकिन ना यहाँ पर स्पीड में कराना मैंने तो आप लोग को जल्दी जल्दी लग होगा तो किचन क्लीनिंग वगैरह तो मैं करती ही रहती हूँ तो मैंने बोला कि चलो सारा काम हो गया है तो क्लीन कर लिया जाए और बर्तन वाला काम बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम पसंद नहीं है बर्तन धोना लेकिन फिर भी मैं ना क्लीन करके रखना चाहती हूँ कि मुझे और काम ना दिखे तो बस यही यहाँ पर मैं कर रही थी और बर्तन वगैरह भी साफ सफाई करके सब एक साथ में मैं अपना काम खत्म करके फ्री हो जाती हूँ और जितने देर में वो सोए रहता है ना बाबू बस उतने देर में काम खत्म भी कर लेती हूँ वो तीन चार घंटे आराम से सोता है तो मेरा सुबह का दोपहर का काम मैं सब एक साथ में कर लेती हूँ और मैं भी खाली हो जाती हूँ वो जब तक सोता है उतने देर में काम खत्म हो जाएगा फिर वो उठता है उसके खेलती रहती हूँ तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मेरे धुल गए देखो कितना जल्दी मैं काम करती हूँ ना तो सारा घर का भी साफ सफाई मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सोफा कवर वगैरह ये सब सुबह में ना बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा रहता है तो मुझे ये सोफा हटाना ही है ऐसे भी बहुत घर भरा भरा लगता है तो यहाँ पर मैं वही सब काम कर रही थी तो अंधने के लिए ना सबसे अच्छा जुगाड़ मैंने लगा रखा है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या जुगाड़ लगाया है ये देखो मैंने अपने फैन पर ना स्टॉल टांग दिया है और ये इसे देख खेल रहा था काफी देर से खेल रहा था अब इसको मैं तेल लगाने जा रही हूँ बिटू बेटू। क्या कर रहे हो तो यहाँ पे ये ना इसको ऐसे देख देख के खेलता रहता है तो अभी मुझे इसे तेल लगाना है मालिश नहीं हुई है अभी तक इसकी तो मैं ऐसे करने जा रही हूँ मालिश आप लोग देखोगे तो बोलोगे इतना जल्दी जल्दी तेल कौन लगाता है बट मैं बहुत टाइम मतलब काफ़ी अच्छे से इसको तेल लगाती हूँ पूरा मालिश अच्छे से करती हूँ लेकिन ना मैंने स्पीड में कर दिया तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग को लगेगा कि कर रही हूँ लेकिन नहीं मे मुझे पूरा दस पंद्रह मिनट तो इसको लगता है मालिश करने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है मालिश करवाने में एकदम खेलता रहता है मालिश जब करती हूँ ना तो ऐसे एकदम खेलता है फिर उसके बाद ना इसे तुरंत दूध चाहिए होता है कि इसको भूख लग जाती है तो यहाँ पर मैं बस वही इसको ना पता है क्यों मैं इसका पैर पे नहीं लगा रही हूँ इसको ना इंजेक्शन लगा था अभी <coughs> इसीलिए ना मैं उसको पैर पे उस जगह पे मालिश नहीं कर रही हूँ और अभी नहीं तो मैं पूरा अच्छे से इसका पैर वैर भी अच्छे से पूरा मालिश करती हूँ अभी दो दिन तक मुझे तो बहुत परेशान किया ये जब इंजेक्शन लगाता तो लेकिन फिर उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है मालिश कराने में बहुत ही ऐसा देखो ना कैमरा में कैसे देख रहा है ये तो आज का यही मैंने व्लॉग मतलब मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल ही लाइफ का अपना बताती हूँ नॉर्मल आप लोगों को भी पसंद आता है कि नॉर्मल कोई कैसे रहता है घर पे तो मैं बस वही आप लोगों को दिखाती हूँ करती हूँ और यहाँ पर बस यहाँ बाबू को देखो ना खिला रही थी और ये भी खुश हो जाता है तो इसको तो कैमरा से नज़र ही नहीं हटता फोन ही देख रहा है तो यहाँ पे उसे कपड़े वगैरह अच्छे से पहनाऊँगी क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है तो यहाँ पे मैं उसे कपड़े वगैरह पहना देती हूँ डबल डबल कपड़े पहनाती हूँ बट इससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं उसे उतना भी हैवी अभी स्वेटर वगैरह नहीं पहनाती हूँ शाम के टाइम में या सुबह सुबह में जब उठता है तो स्वेटर पहनाती हूँ बाकी दिन में नहीं पहनाती और यहाँ पे हगीज़ मैं इसे पहना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ बट मुझे जब ये इसको सुलाना होता है ना तभी इसको हगीज़ वगैरह पहनाती हूँ नहीं तो ना ये नींद से उड़ जाता है रात में पहनाती हूँ और फिर या फिर और देखो तेल लगाते लगाते हुए मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है तो उसके बाद का व्लॉग ना मालिश हो गया अच्छा लग रहा है यहाँ पे Mali sudah ya, cantik Papa kahaa Papa, Papa kahaa gay, bita? Papa ko bulao. Ase bulae Papa ko? Bulau Papa ko bulao? Bedu, eh betha. Ila cuna betha. Papa, e e papa kahaa उसके बाद मैंने सीधे रात में व्लॉग स्टार्ट किया तो रात में मतलब शाम हो चुका था शाम नहीं मतलब रात ही हो रहा था साढ़े आठ नौ बज रहे थे तो फिर मैंने ना अपने कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि मैं रात में एकदम कंफर्टेबल होकर सोना चाहती हूँ तो यहाँ पर ना मैं यहाँ पर ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था मैंने और यहाँ पर रात में बस थोड़ा सा स्किन केयर जरूरी है वैसे तो मैं मेकअप दिन भर में भी नहीं करती हूँ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कुछ करूँ यहाँ पर फिर भी मैं टोनर वगैरह लगा के जेल वगैरह लगा लेती हूँ रात के टाइम पे क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना तो थोड़ा हाइड्रेट रहता है फेस उससे तो बस यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि रात में थोड़ा सा यू you नो know, मतलब कि फ्रेश सोके सो तो यहाँ पर एलोवेरा जेल ही लगा रही हूँ उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाती हूँ तो यहाँ पर ठंड की वजह से थोड़ी सी ड्राई हो जाती है स्किन पर मैं इस पर पहले से प्रिपेयर करके रखी हूँ कि मुझे इस पर आ, मतलब ड्राई नहीं करना है फेस को तो इसके बाद वाला व्लॉग मैं आप लोगों को फिर से शेयर कर दूँगी साड़ी व्लॉग तो आप लोग ज़्यादा ही पसंद करते हो साड़ी साड़ी व्लॉग या फिर आप लोग क्लिनिंग व्लॉग बोल दिया जाए तो मैं कुछ क्लिनिंग व्लॉग भी आप लोग बहुत पसंद करते हो कोई भी ड्रेस में हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बताते हो क्योंकि ऐसे वीडियो बनाओ वैसे वीडियो बनाओ तो मैं वैसे भी ट्राई करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को व्लॉग डेली दूँ बट नहीं हो पाता है